वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे फरमाइश आप लोग कर रहे हैं और ये मेरी खुश नसीबी है कि उस फरमाइश में से उस फरमाइश को बेस करके मैं लेशन आप लोग तक भेज रहा हूँ। लेकिन फरमाइश ज़्यादा हैं, मैं अकेले ही लेशन बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट लतीफ़ ज़रूर होगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पे अभी आज सीखना है लग जा गले का वो नोटेशन के साथ मैं ये लेशन भेज रहा हूँ। इससे पहले मैं इस बेस पे दो लेशन और बना चुका हूँ ताल को समझाते हुए, इससे बेहतर अलंकार कैसे रियाज कर सकते हैं वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो लोग नहीं देख पाए हैं ज़रूर देख लीजिएगा, वो देखिएगा तो ये सब करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरा लेशन देखना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि कुछ जगह ऐसा है जिस में कैसे आवाज़ लगाया जाए, उसका हरकत किस हिसाब से लिया जाए, मैं कोशिश करूँगा कॉर्ड वगैरह लेके किस हिसाब से इफेक्टेड बनाया जाए पूरा बताने का, तो पूरा देखिएगा। एक रिक्वेस्ट पहले करना चाहता हूँ, ये इस बात पे शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन करने का एक बटन ऑप्शन आ रहा है। ये खुशनसीबी है कि हम अपने इस चैनल को बहुत जल्दी ये ऑप्शन मिल गया है। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए नहीं हैं, कुछ लोगों ने जो ज्वाइन कर लिया है उनका जब कमेंट आता है तो उनके नाम के साथ एक हरा कलर का एक सिंबल आ जाता है। आप अभी देख सकते हैं एक दो लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट जब आ रहा है तो हरा कलर का सिंबल उनको मिला हुआ है, यानी कि वो VIP ऑडियंस के श्रेणी में चले गए। तो ऐसे लोगों के कमेंट को मैं निश्चित रूप से रिप्लाई भी करता हूँ और फिर पर्सनली वो बात भी करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं बात करते रहता हूँ, उनका पर्सनली निदान करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, ये बड़ी बात होगी मेरे लिए, बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। 159 पर मंथ अगर गुरु दक्षिणा के रूप में आप अगर देने के लिए एग्री हो जाते हैं तो वो पैसा YouTube तक जाएगा, फिर वहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा मेरे लिए। तो ज्वाइन ज़रूर करें, वो नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब बटन के पास वो आपको मिलेगा ऑप्शन, क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली एक पेज खुलेगा जिससे आप जुड़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जहाँ से मैं बताने वाला हूँ उस हिसाब से सा जो बनेगा, जो सॉन्ग का मेन सा बन रहा है वो तीसरी काली सा बनेगा, क्योंकि यहाँ से मैं बताने वाला हूँ लग जा गले, इसका स्केल नोट स्केल कॉर्ड यहाँ बन रहा है, ये सा है। लेकिन इस सा को भी बना के आप गा सकते हैं और स्केल नोट यही रहेगा। अभी मैं जो नोट आप लोग को बताने वाला हूँ, चूँकि स्वरलिपि बताने वाला हूँ नोटेशन, तो ये तय है कि जो लोग नोटेशन से स्वरलिपि से गाएंगे वो थोड़ा बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स लोग फिर इसको सा बनाएंगे तो उनको फिर रे म ग ध ढूंढने में टाइम लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में राग की चर्चा किया था कि आप इसको बिलावल थाट में इस सॉन्ग को मान सकते हैं, पहाड़ी राग का इफेक्ट है, तो इसलिए सॉन्ग यहीं से मैं बता रहा हूँ लग जा गले, यहाँ से अगर नोट खोजते हैं इसको सा बना के, इस हिसाब से सा बनेगा, सा रे ग म सारा शुद्ध आ रहा है, प ध नी सा पूरा बिलावल का स्वर आ रहा है। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि नोट गाना यहीं से है लेकिन सा मैं इसको मान के चल रहा हूँ ताकि नोटेशन आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ से इसको करते हैं तो सा रे ग म प ध, कोमल नी यहाँ लगेगा लेकिन इस सा के हिसाब से ये म बनेगा शुद्ध म। ये मैंने कहा था पिछले वीडियो में, कभी कभी क्या होता है कि सा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस हिसाब से ये कोमल नी और फिर यहाँ सा, ऊपर भी जाएंगे तो सारे ग म, तो इसी को सारे ग म आप माने पहली काली को, और यहाँ से ही नोटेशन देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बीच के म्यूजिक का पार्ट भी आपको बताने वाला हूँ इसलिए उसको भी देखना है। सबसे पहले गीत जो स्टार्ट होता है तो एक स्लो बिना बीट का थोड़ा सा चलता है लाइन, तो यहीं से गाना है, ये बेस कॉर्ड बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। लग जा गले, अगर इसको सा बना के नोट, इसी को सा बना के नोट देखना ही है, इजी हो जाएगा, बहुत बिगिनर्स लोग जुड़े हुए हैं। पधा पधा लग जा गले कि फिर ये धप धपनी ध के फिर ये हसीरत इसी नोट में है लेकिन बजाना है किस स्टाइल में, हसीरत हसी ध रात रात, यहाँ तो आंदोलन है, रात पधामा रात हो ना, हो का अलग अलग इफेक्ट है लेकिन अभी सिंपल ही देख रही है, म पनी धप हो ना। Oh.
गरे सा हसीरत हो न हो। ये दोबारा हो जो है वो टाइमिंग ले रहा है, तो यहाँ एक कॉर्ड लगा सकते। हसीरत हो न हो। इतना बोलने के बाद एक छोटा सा म्यूजिक पार्ट आता है, उसको ऐसे भी प्रैक्टिस करिएगा, कोई बताएगा नहीं, मैं बता देता हूँ। नोट उसका है ये, फास्ट में आता है वो, आप सुनिएगा ओरिजिनल तो पता चलेगा। ऐसे बजता है, लगी जागरे, उसके बाद बीच में आता है गाना। तो ये इसका नोट क्या है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नी ध ग म प ग स रे म रे नी ध सा, ये आता है, लेकिन फास्ट में कर लीजिएगा। लग जागले, नोट वही है, लग जागले कि फिर ये हसीरत, अलग अलग है, हसीरत हो ना, ये तो जरूर कर लीजिएगा, हो ना हो 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 मा पद सानी धप हो हो ना हो ना मा पद सानी धप हो ना हो धप गरे सा, अलग अलग भी है। शायद या कॉर्ड इस जन्म में कॉर्ड मुलाकात सा सा शायद सारे शायद फिर इस रे में ही जन्म में गप गरे सा मुलाकात, तो हमें ऊपर जाना है, मुलाकात सा सारे मुलाकात हो ना हो ना हो। यहाँ पे एक अलंकार यहाँ का निकाल के मैंने दिया था, उसको बजा के देखिएगा। मुलाकात हो ना, एक साथ आएगा तो अलंकार वाला पार्ट आ जाएगा। कैसे है, मुलाकात हो ना सा 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 रे सा नी रे सा नी ध सा 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 रे सा नी रे सा नी ध मुलाकात हो ना हो लग जा गले से, पहला लग जा यहीं से, लग जा लग जा, लेकिन बाद में लग जा गले से। मुलाकात का दो तरीका का इफेक्ट है, एक तो ये है मुलाकात हो ना हो, एक है मुलाकात हो ना हो मुलाकात, ये नोट लगता है, मुलाकात हो ना हो लग जा गले से। म्यूजिक पार्ट का नोट देख लीजिए, बहुत आराम से देखिए, उसके बाद बजा प्रैक्टिस हो जाए तो बढ़िया से बजेगा, सब लोग बजा नहीं पाते ये सब चीज़, आप देख लीजिए आराम से। स्टार्ट करना है सारे मग सारे फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद इसमें लेना है नोट, पता चल गया होगा, सारे रे 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 ग ग ग ग ग ग म म म म म, जब ये आने लगे तो इतना ही रिदम में अलग स्टाइल से ही बजता है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन मेन नोट जो बना वो क्या बना, स्टार्ट सारे म ग सारे ऐसा दो बार बजेगा, उसके बाद जो है उसको करना पड़ेगा, उसका नोट है, उसका पहले प्लेइंग देख लीजिए। सारे
मगरी सारी सारी सा। फिर से आराम से देखिए, सारे मधर सारे साध पगरी सा, सारे मधर सा सारे मधर सारे साध पगरी सारे सा रे सा रे सा। एक साथ देखिए कैसे, जब पूरा कर लीजिएगा तो लाइन उठता है, हमको मिली मासानिसा, हमको मिली है आज ये आज ये आज ये सानी सा सा सानी सारी सानी आ नसीब से घड़ियां घड़ियां पौसे लीजिएगा पानी घड़ियां नसीब रिसानी रिसानी ध नसीब से कौन ले सकते हैं। सेकंड लाइन भी इसी हिसाब से है, जी भर के देख लीजिए, कर्ण सुर लग रहा है, लीजिए मरे सानी लीजिए हमको हमको यहाँ से मानी हमको करीब से रिसानी रिसानी धा फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न। इस सब का तो अलंकार बना दिया हूँ, देख लीजिएगा कर लीजिएगा, इसी पैटर्न पे पूरा गीत है तो इस हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारे आपके फरमाइश हैं जो वेटिंग में है, सभी का लेशन बनेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिए और ज्वाइन जब कर लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सा मुझे कॉपरेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू।